नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अभिषेक कुमार और वक्त हो गया है आज के ताजा तरीन खबरों का। भाजपा के यूपी चुनाव प्रचार को अब पीएम मोदी करेंगे लीड, पहले फेज के वोटरों को करेंगे संबोधित। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज देश भर में विश्वासघात दिवस मनाया जाएगा। इसके तहत जिला और तहसील स्तर पर रोष प्रदर्शन किए जाएंगे। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, आज AICPI इंडेक्स के आंकड़े आएंगे, इसमें महंगाई भत्ता 3% बढ़ने का अनुमान है। आज से शुरू होगा केंद्र सरकार का बजट सत्र, किसानों को लेकर हो सकती है कई महत्वपूर्ण घोषणाएं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव करहल सीट से आज करेंगे नामांकन, पहली बार लड़ने जा रहे हैं विधायकी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सहारनपुर पहुंचेंगे और विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। आज आ सकता है SSC GD कांस्टेबल रिजल्ट, SSC की ऑफिशियल वेबसाइट SSC.NIC.in पर जाकर चेक कर सकते हैं अपना रिजल्ट। कर्नाटक सरकार ने नाइट कर्फ्यू हटाया, आज से खुलेंगे स्कूल। बिहार में बड़ा रेल हादसा टला, दिल्ली से सहरसा जाने वाली पूरबिया एक्सप्रेस का इंजन व डिब्बा दो भागों में बटा, वजह की हो रही है जांच। दिल्ली MCD चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी को रास नहीं आया सीटों का परिसीमन, दिल्ली हाईकोर्ट में दी चुनौती। बहन के आरोपों पर कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने दी सफाई, कहा मां को कब्र से निकाल कर ले आई। आपको बता दें कि सिद्धू की बहन सुमन तूर ने गत दिवस आरोप लगाया था कि पिता भगवंत सिंह सिद्धू की मौत के बाद सिद्धू ने मां और अपनी बड़ी बहन को घर से निकाल दिया था। देश को मिली नई बैडमिंटन स्टार, रोहतक की उन्नति हुड्डा ने ओडिशा ओपन 2022 खिताब जीत कर रचा इतिहास। निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड में भी 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच एग्जिट पोल पर रोक लगा दी है। झारखंड के रामगढ़ में ओवरब्रिज पर डिवाइडर से टकराई कार, 2 युवकों की मौत, 5 लोग हुए घायल। छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर की सड़कों पर एक पोस्टर इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। पोस्टर में एडिशनल SP संजय ध्रुव की फोटो लगी है, साथ ही पोस्टर में लिखा है यहाँ के हम है दादा और हमारी दादागिरी चलेगी। फिलहाल पुलिस पता लगाने में जुटी है कि इस पोस्टर को लगाने के पीछे कौन है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर के साहगंज कस्बे में 36 करोड़ 21 लाख से अधिक के निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। जर्मनी की कंपनी लगाएगी जम्मू और श्रीनगर में GMC के 2 जीमेन टेस्ट लैब, समय पर हो सकेगा बेहतर इलाज। बंगाल के हावड़ा जिले के सिपुर थाना क्षेत्र में बेटी के सबके साथ 10 दिनों तक रही माँ। ओडिशा IAF अधिकारी राउरकेला के चिन्मय पात्र वायुसेना पदक से हुए सम्मानित। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में थाने कोर्ट में 5 फरवरी से रोजाना होगी सुनवाई। राजस्थान में पैरोल से फरार आरोपी के घर से बरामद हुआ 16 किलो अफीम, 6 क्रिस्टल डोडा और चूरा। सीताराम कुशवाहा की रिपोर्ट। संभल में विधानसभा चुनाव को लेकर काफी गर्मागर्मी चल रही है। इस बीच समाजवादी पार्टी प्रत्याशी के भाई ने वोटरों को एक धमकी दी है, जिसकी लिखित शिकायत थाने में की गई है। ब्रह्मलीन स्वामी अमन चैन पुरी की 6ठी पुण्यतिथि के अवसर पर दिल्ली NCR के सैकड़ों साधु संतों ने शिव शक्ति सनिधाम सढ़ोल मोर गुरगांव पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर अखंड रामायण पाठ, हवन और भंडारे का भी आयोजन किया गया। प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। महोबा के पनवारी थाना में तैनात SI श्यामदेव सिंह ने एक समाचार पत्र के पत्रकार विजेंद्र कुमार गुप्ता को थाने में बुलाकर अभद्रता किया, जिसके बाद पत्रकारों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए SI के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। रंजीत जिंगर की रिपोर्ट। महात्मा गांधी के पुण्यतिथि पर सिरोही में शांति मार्च का आयोजन किया गया, जहां जिला कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर शांति मार्च को रवाना किया। यह कार्यक्रम नेहरू युवा केंद्र भारत स्काउट गाइड सिरोही के तत्वाधान में आयोजित किया गया था। नॉर्दर्न कोलफील्ड्स में निकली 300 से अधिक पदों पर सीधी भर्ती, ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन। क्रिकेटर रोहित शर्मा का वनडे में वेस्टइंडीज के खिलाफ है शानदार रिकॉर्ड, सचिन के इस रिकॉर्ड को तोड़ने के हैं करीब। नोरा फतेही के गाने पर रशियन बच्ची ने किया जबरदस्त डांस, वीडियो देख एक्ट्रेस भी हुई हैरान। तो ये थी आज की ताजा तरीन खबरें। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए आप अभी मोबाइल News24 को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब बटन के साथ लगे नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि देश और दुनिया की तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।